धमतरी में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि दोनों ओर से 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई, जिसमें दो नक्सली घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही डीआरजी और सीआरपीएफ टीम को मौके पर एक बंदूक, नक्सली वर्दी सहित नक्सलियों के दैनिक उपयोग का सामान मिला है। बहरहाल पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है और नक्सली वारदात से निपटने के लिए उनकी फोर्स पूरी तरह से तैयार है। कल रात को हमें सूचना प्राप्त हुई थी, ये थाना बुराई के एकावरी ग्राम के पहाड़ियों में नक्सलियों की सूचना है, जो कि मैनपुर नुआपाड़ा सब डिवीजन के हैं। ये करीब 20 से 25 की संख्या में थे। इनकी सूचना पर एसटीएफ, डीआरजी धमतरी गरियाबंद और सीआरपीएफ 211 की संयुक्त टीम रवाना हुई थी। इनके साथ में मुठभेड़ हुई हमारी रात को, और उसके बाद में जो हमें सूचना अभी तक प्राप्त हो रही है कि कुछ एक से दो नक्सली घायल हुए हैं, जिनके खून के धब्बों के निशान वहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हमने नक्सल सामग्री और हथियार भी बरामद किए हैं। हाँ, अभी फोर्स जो है वापस लौटने की प्रक्रिया में है और जब्ती भी कर रहे हैं। सर्चिंग में जो गरियाबंद का